अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सर, बेटा आप लोगों ने हैंड रेज करना है और आपका नाम नंबर फिर आपने आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना है। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर हमने स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज? हैंड रेज करें आप लोग। सारा आप बताएं। बैसिलस और ग्लॉस्ट्रिडियम। अच्छा ईशा, आप मुझे बताएं बैसिलस की तीन इंपॉर्टेंट स्पीशीज के नाम बताएं। अंथ्राइटिस और था सीरियस और एक सबटाइलस था। अच्छा बैसिलस एंथ्रेसिस क्या कॉज कर सकते हैं? आदिल आप बताएं। सदफ आप बताएं बैसिलस एंथ्रेसिस क्या कॉज कर सकते हैं? सर थ्री डिफरेंट टाइप्स के से ट्रांसमिशन होते हैं जिससे डिजीजेस कॉज करते हैं। ये हम लोग के सदफ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं। सर जिस तरह अगर इंजेक्शन के थ्रू कॉज कर रहा है तो फिर ये कॉज करेगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर ये आवाज आ रही है, अगर ये आपके इंजेक्शन के थ्रू कॉज कर रहा है तो फिर ये आपको करेगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर ये इनॉक्यूलेशन के थ्रू कॉज कर रहा है तो फिर ये आपको क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर आपके जो इंजेक्शन के थ्रू कॉज कर रहा है तो फिर ये होल सॉलिटरी डिजीज कॉज करेगा। मोमिना आप बताएं क्या क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सर किसका पूछा आपकी बात कर तो रही थी। एंथ्रेक्स टॉक्सिन के कंपोनेंट्स क्या हैं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में ये होता है कि अगर आपसे मैं एंथ्रेक्स टॉक्सिन के बारे में पूछ रहा हूँ। एंथ्रेक्स टॉक्सिन, अच्छा सर एंथ्रेक्स टॉक्सिन के हमारे पास तीन फैक्टर्स होते हैं। एक लीथल फैक्टर होता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है और एडिमा फैक्टर होता है। जो हमारे पास प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है ना वो कॉज करता है कि लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर सेल के अंदर एंटर कर लें और फिर जो हमारे पास लीथल एडिमा फैक्टर है वो रिलीज करता है साइक्लिक एएमपी जो कि एडिमा कॉज करता है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लोर। और जो हमारे पास लीथल फैक्टर है वो इनहिबिट करता है एमएपी को जो के एपोप्टोसिस कराते हैं सेल डेथ और हाइपोक्सिया के थ्रू सेल डेथ करवाते हैं। ठीक है, बैसिलस से बैसिलस सीरीज क्या कॉज करता है? आदिल आप बताएं। चले विशा आप बताएं बैसिलस सीरीज क्या कॉज करता है? बैसिलस सीरीज क्या कॉज करता है? इसके अलावा ये मोटाइल होती है, ये मोटाइल होते हैं और ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। इसके अलावा जो है ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं और ये लोग ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आज का लेक्चर शुरू। जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी आवाज आई है। मैंने आपसे पहले दो दफा सवाल पूछा, आपने कोई आंसर नहीं दिया आज।
आप दोबारा पूछ ले। अब तो क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। सबको नजर आ रही है स्लाइड्स? यस सर। नहीं सर। यस सर। अब आ रही है। चलिए आज हम शुरू करेंगे क्लॉज स्टेडियम। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि सिर्फ दो स्कोर फॉर्मिंग जॉनराज हैं, एक है बैसिलस जो हम पिछले पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे क्लॉस्ट्रिडियम। ये बैक्टीरिया भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। बैसिलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, और जो क्लॉस्ट्रिडियम है ये ऑब्लिगेट एनारोब है। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, दे कैन ओनली सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लॉस्ट्रिडियम में मैंने आपको फर्दर बताया था कि इनकी चार स्पीशीज हैं जो मेडिकली इंपॉर्टेंट हैं और जो डिजीजेस कॉज करती हैं, उसमें क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस और क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल आता है। इनके जनरल फीचर्स की बात करें तो ये सभी ग्राम पॉजिटिव रॉड हैं और ऑब्लिगेट एनारोब हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो उसकी प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, और मोटाइल हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, और ये सभी बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो जब हम एक एक बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे तब एक्सोटॉक्सिन भी उनके पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस से। क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस को हम क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस हमारे पास गैस गैंग्रीन कॉज करता है, इसलिए यहाँ पे एक निमोनिक दिया हुआ है गैस का। क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस की बात करें तो ये हमारे पास जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं अल्फा टॉक्सिन भी कह सकते हैं, उसे लेसिथिनेज भी कहते हैं और इसे फॉस्फोलाइपेज भी कहते हैं। अल्फा टॉक्सिन, लेसिथिनेज और फॉस्फोलाइपेज, ये तीनों इसके नाम इसी एक टॉक्सिन के नाम है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन आपको पता चलता है लेसिथिनेज से और फॉस्फोलाइपेज से, मतलब कि जो हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उनमें ये लेसिथिन पे जाके ऐड करते हैं और उसे लेसिथिन को डिसॉल्व करते हैं, इसलिए इन्हें लेसिथिनेज कहते हैं। जब ये लेसिथिन को डिसॉल्व करते हैं तो जी बेटा सर लेसिथिनेज होता क्या है? बेटा लेसिथिनेज एक टॉक्सिन है, एक एंजाइम है, और लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है। तो ये जो लेसिथिनेज हैं ये लेसिथिन को डिसॉल्व करेंगे सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिसरप्ट होगा और उससे हमारे पास सेल की डेथ हो सकती है। ये टॉक्सिन कौन से टिश्यूज को अफेक्ट करता है? ये टॉक्सिन हमारे पास आरबीसीज को अफेक्ट करता है और उसके अलावा बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को अफेक्ट कर सकता है। आरबीसीज को यहाँ पे इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है क्योंकि जब क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस को हम ब्लड एगर पे कल्चर करते हैं, ब्लड एगर में आरबीसीज होते हैं, तो जब हम क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस को ब्लड एगर पे कल्चर करेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस, क्योंकि पूरी माइक्रो में सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है जो कि डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस प्रोड्यूस करता है। पीछे हम जब हम कोकाई पढ़ रहे थे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, उसमें हम अल्फा हिमोलिसिस देख चुके हैं, बीटा हिमोलिसिस देख चुके हैं, गामा हिमोलिसिस देख चुके हैं, तो आपने ये याद रखना कि डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, टिश्यूज में भी जाके ये सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स में लेसिथिन पे जाके ऐड करता है और टिश्यूज की सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है। उसके अलावा ये डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल कोलाजिनेज है, हाइलुरोनेज है, डीएनएज है। कोलाजिनेज हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलाजन को डिस्ट्रॉय करेगा, हाइलुरोनिक एसिड भी हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, ये भी जाके हाइलुरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा। डीएनए हमारे पास जो सेल के सॉरी टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर जो डीएनए है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। इन सारे एंजाइम्स की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे पास टिश्यूज में गैस प्रोड्यूस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, क्योंकि इसने एनर्जी फर्मेंटेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस करनी है, इट इज एन ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया। तो जब ये फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है तो ये टिश्यूज में साथ एक मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, फर्मेंटेशन में ये गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे हम गैस इसलिए इस बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं गैस गैंग्रीन। मतलब कि गैंग्रीन क्यों है? क्योंकि वो टिश्यूज का वाइड स्प्रेड नेक्रोसिस कॉज कर रहा है, और गैस क्यों है? क्योंकि ये गैस प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो हमारे पास जो क्लासिक क्लिनिकल पिक्चर आती है वो ये आती है कि जिस टिश्यू को या जिस एरिया को अफेक्ट करेगा वहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, एडिमा, रेडनेस और गैस फिल्ड बुलाए होंगे।
बेटा सबको समझ आई है, गैस फिल्ड बुलाएगी और गैस गैंग्रीन की। सर रिपीट कर दी। मैं ये बता रहा था कि जब ये टिश्यूज को इन्फेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपकी एक पेशेंट है उसकी बिलो नी ना हमारे पास लेग को अफेक्ट कर रहे हैं बिलो नी, तो बिलो नी हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर कैसे आएगी? बिलो नी हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर ऐसे आएगी कि बिलो नी हमारे पास बहुत ज्यादा रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, अडीमा होगा, और क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है और अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो वहाँ पे गैस भी प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे जो सारी पिक्चर आती है उसे हम कहते हैं गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे वाइड स्प्रेड नेक्रोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रही है। और गैस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो वहाँ पे रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, एडिमा, टिश्यू का नेक्रोसिस होगा और साथ में गैस फिल्ड बुलाए होंगे, इसलिए इसके ये जो डिजीज कॉज करता है उसे हम गैस गैंग्रीन कहते हैं। अब इनकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? सर गैस फिल्ड क्या होंगे? बुलाए, बुलाए। हाँ, अब इनका एक्सपोजर कैसे होगा, इनकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? तो इनकी बेटा ट्रांसमिशन दो तरीकों से हो सकती है। एक तो हमारे पास फूड कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू हो सकती है, मतलब कि वो फूड जो इनके स्पोर्स के साथ कंटेमिनेट हो चुका है उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकती है। और दूसरा है ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन। ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई पंक्चर वुंड हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसके थ्रू हो सकती है, या फिर आपने कोई सर्जरी की है उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिनके साथ जिन जो हमारे पास ऑलरेडी इसके स्पोर्स से कंटेमिनेट थे, मतलब कि सर्जिकल कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू का ट्रांसमिशन हो सकती है, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकती है, और उसके अलावा एक्सीडेंट्स के थ्रू, पंक्चर वुंड्स के थ्रू और फ्रैक्चर्स के थ्रू हो सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रॉमेटिक इम्प्लांटेशन। ट्रॉमा हुआ है और वहां पे बैक्टीरिया की इम्प्लांटेशन हो गई है। और ये डिजीज कौन सी कॉज करेंगे? अगर तो इनकी ट्रांसमिशन हो रही है थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड, तो ये हमारे पास कॉज करेंगे फूड पॉइजनिंग या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और अगर हमारे पास ट्रॉमेटिक इम्प्लांटेशन हो रही है या कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है, तो अब ये कॉज करेंगे गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन को हम एनारोबिक सेलुलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब है और सेलुलाइटिस एक दूसरा सिनोनिम है, और मायोनेक्रोसिस भी इसी को हम कहते हैं। मायोनेक्रोसिस इसलिए क्योंकि ये मोस्टली हमारे पास मसल्स की जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो इसलिए हम इसे मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। गैस गैंग्रीन के बारे में पढ़ते हैं तो इसे हम मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। उसके अलावा नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड नेक्रोसिस इज मेनली कॉज बाय लेसिथिनेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। लेसिथिनेज कैसे नेक्रोसिस कॉज करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन में जाके फॉस्फोलिपिड्स में जाके लेसिथिन को डिसॉल्व करेगा, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो टिश्यू का या सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। And gas in the tissue is a feature of gangrene. Gas हमारे पास क्यों produce हो रही है? क्योंकि bacteria obligate anaerobe है, वो fermentation के through अपने survival के लिए energy produce कर रहा है, और उस fermentation का by product होता है एक gas, जिसकी वजह से हमारे पास एक large gas and fluid filled bullae होगा। Fluid उसमें क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे edema होगा, necrosis होगा, inflammation होगी, इसलिए वहाँ पे fluid आएगा। Gas क्यों आएगी? Gas हमारे पास bacteria से आएगी। तो यू विल हैव अ लार्ज गैस एंड फ्लूइड फिल्ड बुलाए। इस तरह से हमारे पास क्लासिक क्लिनिकल पिक्चर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट की आपने सर्जरी की है और ये उसके लगे हुए हैं स्टिचेस। तो जब आपने सर्जरी किया है तो मे बी आपकी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो कंटेमिनेटेड थे, या फिर पेशेंट ने सर्जरी के बाद वो बाहर गया और वहाँ से उसकी कंटेमिनेशन हो गई है वुंड की। तो हमारे पास इस तरह से गैस या फिर फ्लूइड फिल्ड बुलाए होंगे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम बुलाए कहते हैं। उसके अलावा सीवियर पेन होती है, अडीमा होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये डिजीज रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है। मतलब कि अगर आप इसे यहाँ पे ठीक नहीं करेंगे, मतलब ये जो नेक्रोटिक टिश्यू है इसे डिब्राइड नहीं करेंगे और पेशेंट को एंटीबायोटिक फौरन नहीं देंगे, तो ये डिजीज रैपिडली स्प्रेड करेगी एंड इट विल कंटिन्यू टू स्प्रेड अनलेस यू ट्रीट द डिजीज और द पेशेंट विल डाई एवेंचुअली। तो अगर तो पहले तो हम इसे यहाँ पे टिश्यू को सैलवेज करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसे मसल्स को बचाने की कोशिश करेंगे और डिब्राइड करेंगे और साथ में एंटीबायोटिक देंगे। इन केस इन्फेक्शन क्लियर नहीं होती और ये मजीद ऊपर को स्प्रेड करना शुरू कर देती है, तो फिर आपको एम्पिटेशन करनी पड़ सकती है ताकि डिजीज
पेशेंट के तो एब्डोमेन तक या फिर उसके बाद थोरैक्स तक ना जाए। एक दफा डिजीज एब्डोमेन तक या थोरैक्स तक चली गई तो फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप इसमें सिंस द डिजीज इज रैपिडली प्रोग्रेसिव, आप इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हो, आप इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, वुंड को क्लीन करेंगे, डिब्राइड करेंगे, और अगर उसे ठीक नहीं होता तो फिर आपको इवेंचुअली एम्पिटेशन करनी पड़ सकती है। कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया की डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? वो वाले पेशेंट जिनको डायबिटीज है या जिनको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है या फिर जिनमें एथ्रोसाइक्लेरोसिस है, उनमें इन इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एथ्रोसाइक्लेरोसिस क्या होता है? एथ्रोसाइक्लेरोसिस बेसिकली एक पैथोलॉजी का नाम है। इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनमें हमारे पास स्मोकिंग आती है, हाइपरटेंशन आता है, हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज आता है। इसकी वजह से बेसिकली तो इसकी वजह से ये होता है कि इसमें आपकी आर्टरीज के अंदर ना एथ्रोसाइक्लेरोटिक प्लैक्स बनते हैं, वो प्लैक हमारे पास ग्रो करता जाता है और अनटिल इवेंचुअली ये प्लैक हमारे पास पूरी की पूरी आर्टरी को क्लूड कर देता है। और एथ्रोसाइक्लेरोसिस की वजह से हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। तो वो वाले पेशेंट जिनमें एथ्रोसाइक्लेरोसिस है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है या डायबिटीज है, उनमें इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के चांसेस काफी हाई होते हैं। ट्रांसमिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके स्पोर्स सोइल में वाइड स्प्रेड प्रेजेंट होते हैं एंड वेजिटेटिव सेल्स आर द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन एंड द वजाइना। इस बैक्टीरिया के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोलन और वजाइना के ये नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है। तो इसलिए वो वाले पेशेंट जिनको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है और वहाँ फिर अगर कोलन की परफोरेशन हो जाए तो वहाँ से बैक्टीरिया फिर कोलन से निकल के बाकी एब्डोमेन को या फिर चेस्ट में भी माइग्रेट कर सकता है। तो जब वो बाकी एब्डोमेन में या चेस्ट में माइग्रेट करेगा तो वहां पे जाके वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, लेकिन कोलन के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन। गैस गैंग्रीन इज एसोसिएटेड विद वॉर वुंड्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स एंड सेप्टिक अबॉर्शंस। मतलब कि वॉर वुंड हो या ऑटोमोबाइल हो या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो, इन तीनों में हमारे पास ट्रॉमेटिक इम्प्लांटेशन होगी। और सेप्टिक अबॉर्शन एंडोमेट्राइटिस में जब आप फेटस को रिमूव करते हैं तो वहां से फिर वो लाइक वजाइना की नॉर्मल फ्लोरा से डिसरप्ट होके वो आपके एब्डोमेन में या फिर चेस्ट में या फिर लेग्स की तरफ स्प्रेड कर सकता है। अगर वो वजाइना या फिर कोलन में है तो वहां पे वो डिजीज कॉज नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, लेकिन जब वो अपने नॉर्मल फ्लोरा से डिसरप्ट होके कहीं और जाएगा तो वहां जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इन केस ऑफ अ सेप्टिक अबॉर्शन। या फिर अगर एब्डोमिनल सर्जरी हो गई और उसमें भी आप कोलन को मैनिपुलेट करते हो तो वहां से भी बैक्टीरिया डिस्टर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ब्लैडर में जा सकता है। तो अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन या ब्लैडर की तरफ अगर डिसलोकेट होता है तो वहां भी जाके वो इन्फेक्शन कॉज करता है। इसलिए हमारे पास कोई भी सर्जरी हो उसमें सिर्फ इसकी वजह से नहीं, वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से हम पहले सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि हमारे पास अनवांटेड इन्फेक्शन ना हो। पैथोजेनेसिस की बात करें, ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे हमारे पास ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन होगी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म विल ग्रो इन द ट्रोमेटाइज्ड टिश्यू स्पेशली मसल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एन अल्फा टॉक्सिन, फॉस्फोलाइपेस और लेसिथिनेस विच विल डैमेज द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग दोज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स रिजल्टिंग इन हिमोलिसिस। एरिथ्रोसाइट्स में जब ये हिमोलिसिस कॉज करता है, ये कॉज करता है डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस एंड डिग्रेडेटिव एंजाइम प्रोड्यूस गैस इन द टिश्यू। क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे पास क्या होगी? हमारे पास पेन, अडीमा, सेलुलाइटिस और गैंग्रीन होगा वॉन्टेड एरिया में, और साथ ही हमारे पास क्रेपिटेशन प्रोड्यूस होंगी विच विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैस इन द टिश्यू। बेटा क्या समझ नहीं आ रहा आपको? बेटा कौन से पार्ट की समझ नहीं आपको?
आप इनका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस का? आप हमारे पास टिश्यूज हैं, आप स्मीयर टिश्यू से आप सैंपल लेंगे और उसके सैंपल को जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड नजर आएंगे। उसके अलावा आप इस बैक्टीरिया को बेटा रिलेटिव कल्चर करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब है, तो इसलिए इनको कल्चर करना मुश्किल होता है। तो आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हो थ्रू द शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब है, फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, तो आप शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन के थ्रू इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे कि जब ये हमारे पास अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली है? तो बायोकेमिस्ट्री में जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे या फिर जब आप फॉस्फोलिपिड्स पढ़ रहे थे, आपको किसी को भी फॉस्फोलिपिड या फिर लेसिथिन का स्ट्रक्चर याद है? चलिए लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास एक होता है मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, उस ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ दो फैटी एसिड अटैच होते हैं, जो तीसरा कार्बन होता है उसके साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप और उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है कोलीन। ये हमारे पास बायोकेमिकल स्ट्रक्चर होता है लेसिथिन का। तो जब हमारे पास लेसिथिनेज या फॉस्फोलिपेज भी आके एड करते हैं तो वो कोलीन को भी डीअटैच करेंगे, कोलीन को भी सॉरी क्लीव करेंगे, फॉस्फेट को भी क्लीव करेंगे और फैटी एसिड को भी क्लीव करेंगे फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। तो जब ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से फैटी एसिड को क्लीव करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो आप इन्हें ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शंस के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कल्चर करना काफी मुश्किल होता है, ये ऑब्लिगेट एनारोब है। सबको समझ आई इस चीज की ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन? यस सर। नहीं समझ आई मैं रिपीट कर दूं? यस सर कर दें। यस सर एक बात करते हैं। अब एक्चुअली हमारे पास ना ऑनलाइन लेक्चर्स में ड्रॉ करने की चॉइस नहीं होती, इसलिए एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको। लेसिथिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, उस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ दो फैटी एसिड अटैच होते हैं और फिर कार्बन नंबर 3 भी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोलीन अटैच होता है, इसे हम कहते हैं लेसिथिन। जब लेसिथिन भी आके एंजाइम ऐड करेगा लेसिथिनेज तो वो फैटी एसिड्स को रिमूव करेगा, उन फैटी एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया को हम ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब है, अपनी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन के थ्रू, तो आप इन्हें शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप इन्हें ब्लड एग्र पे कल्चर करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस, उसके थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एग योक एगर इज यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ लेसिथिनेज। जो एग योक एगर है वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता, एग योक एगर सिंपली बैक्टीरिया के टॉक्सिन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि वो टॉक्सिन पेशेंट के सीरम में है या नहीं है। इसके लैब डायग्नोसिस के लिए हम सिर्फ यही टेस्ट करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एग्जांपल पीसीआर या फिर एलाइजा वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है पेंसिलिन जी देते हैं, उसके अलावा जहाँ पे ये गैस गैंग्रीन या मायोनेक्रोसिस कॉज कर रहा है उस एरिया की आपने वोन क्लीनिंग करनी है, डिब्राइडमेंट करनी है। और प्रिवेंशन के लिए यही कि आपने वोन की क्लीनिंग करनी है, डिब्राइडमेंट करनी है और पेंसिलिन आपने पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस के लिए देनी है। उसके अलावा अगर इस बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन हो रही है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड तो उसमें कॉज करेगा फूड पॉइजनिंग। फूड स्पोर्स आर लोकेटेड इन द सॉइल एंड कैन कंटेमिनेट द फूड, द हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स हमारे पास कुकिंग को सर्वाइव करेंगे और जर्मिनेट करेंगे इनटू एन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म ग्रो टू लार्ज नंबर्स इन रीहीटेड फूड स्पेशली मीट डिशेज। कल हमने पढ़ा था कि रीहीटेड एग फ्राइड राइस से हमारे पास ट्रांसमिशन होती है बैसिलस सीरियस की, और जो रीहीटेड मीट डिशेज हैं उससे ट्रांसमिशन होती है मोस्टली क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस की। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस इज अ मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कॉलन बट नॉट इन द स्मॉल बॉल। कॉलन में और वजाइना में तो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा तो है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं विच हैज बीन कंटेमिनेटेड विद द स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस तो अपना एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो एंटेरोटॉक्सिन है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वो डायरिया कॉज करेगा। और क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस के एंटेरोटॉक्सिन और स्टेफ ओरिस के एंटेरोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, दैट इज बोथ ऑफ देम एक्ट एज अ सुपर एंटीजन
which will result in the overactivation of immune system और उसकी वजह से हमारे पास डायरिया होगा. क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास 8 टू 16 आवर्स इंक्यूबेशन पीरियड होगा और उसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और वाटरी डायरिया होगा, वॉमिटिंग भी होगी, लेकिन ये डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है, 24 आवर्स में खुद ही रिजॉल्व हो जाती है. क्योंकि ये डिजीज हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग है तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट भी कोई नहीं करते, तो इसके लिए आप लैब डायग्नोसिस भी हमारे पास कोई भी नहीं है, सिंपली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और एक दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है. ट्रीटमेंट हमारे पास सिंपली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही हो तो आप उन्हें लाइक सलीन वगैरह दे सकते हैं, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स की वजह से अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो नोस्पा वगैरह दे सकते हैं जो कि एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग है, लेकिन वैसे इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. और प्रिवेंशन के लिए हम यही इंश्योर कर सकते हैं कि फूड हमारे पास कंटेमिनेटेड ना हो और उसकी आप प्रॉपरली कुक करें ताकि आप ऑर्गेनिज्म को किल कर सकें. बड़े याद सबको समझ आई है, हमने ए बैक्टीरिया कवर कर लिया, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेस. जी सर, सबको समझ आ गई है या कोई चीज रह गई है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ. यस सर, आ गई है सर. ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन जो थी उसके बीच में आपने कहा था कि ग्लिसरॉल, वो आपने किस चीज का फॉर्मूला बताया था बेटा? वो फॉर्मूला होता है लेसिथिन का, उसमें ग्लिसरॉल होते हैं, लेसिथिन ठीक है, ग्लिसरॉल होते हैं, उनके साथ टू फैटी एसिड होते हैं और थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है जिसके साथ कोलीन होती है, यही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है. ये पहले पढ़ा हुआ है वैसे, भूल गया. चलें अब बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक. क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक हमारे पास कॉज करता है टेटनेस. इसकी ट्रांसमिशन कैसी होगी बेटा? इसके स्पोर्स ही हमारे पास सोयल में वाइट टेट प्रेजेंट होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनेस के टेटनिक के, और इसकी ट्रांसमिशन भी हमारे पास ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन होती है. मतलब कि किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है बाइक पे या गाड़ी वगैरह पे, और फिर वो बंदा जमीन पे गिर गया तो उसके वुंड की हमारे पास कंटेमिनेशन हो सकती है इसके स्पोर्स के थ्रू. उसके अलावा अगर आप जरा बैकवर्ड एरियाज में जाएं, ये सिंध वाली साइड पे या फिर पंजाब में भी चीज देखने में आती है कि वो जो हमारे पास गाँव वगैरह होते हैं वहाँ भी ये सीन. वहाँ पे जी बेटा अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में जाएं तो वहाँ पे आप ये चीज देखने को मिलती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और उसकी फिर जब वो अम्ब्लाइकस काट देते हैं ना, तो अम्ब्लाइकस काटने के बाद ना अम्ब्लाइकस पे वो मट्टी लगाते हैं. उनका ये बिलीव है कि अगर हम इस अम्ब्लाइकस पे मट्टी लगाएंगे ना तो इसकी जो अम्ब्लाइकस है ये जल्दी जल्दी हील हो जाएगी. और आपको पता है कि इसके स्पोर्स हमारे पास मट्टी में प्रेजेंट होते हैं, तो जब आप बोन के ऊपर खुद ही मट्टी लगा रहे हैं तो वहां से इसके स्पोर्स की ट्रांसमिशन हो सकती है. जो मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलता है वो हमारे पास ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन है, कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद स्पोर्स की ट्रांसमिशन हो गई है, या फिर कंटेमिनेटेड अम्ब्लाइकस और सर्कुलेशन वोन के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है. ये हमारे पास डिजीज कैसे कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं थ्रू एबी न्यूरोटॉक्सिन. एबी न्यूरोटॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन है, उसे हम टेटनोस्पैज्म भी कहते हैं. और इस टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास होता है एसिटाइलकोलीन, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें आता है गाबा और ग्लाइसिन. ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट करेंगे. बेटा वो आगे रिपीट हो जाएगा स्लाइड में. टेटनस टॉक्सिन का हमारे पास कैसे काम करता है? जब पेशेंट में इसके स्कोर्स की ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि एक बंदा बाइक पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो रोड पे गिर गया और उसके पाँव पे चोट आई है, तो और फिर उसका पाँव मट्टी में लगा है, लाइक रोड पे मट्टी होती ही है, तो वहाँ से इसके स्पोर्स की ट्रांसमिशन हो गई है उसके पेशेंट के वोंड में जो कि उसके फीट पे है. अब जब स्पोर की ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन होगी उसके फोट में, उसके बाद क्या होगा कि स्पोर वहाँ पर जर्मिनेट करेगा इन टू द ऑर्गेनिज्म. स्पोर से हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनेगा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी. क्लोस्ट्रीडियम टेटनी फिर अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम टेटनोस्पैज्मिन या फिर टेटनस टॉक्सिन कहते हैं या एबी न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं. अब पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी वो टॉक्सिन पेशेंट के फुट में ही है,
अब क्या होगा कि वो टॉक्सिन एक्सॉन के थ्रू जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में. एक्सॉन हमारे पास नर्व को ही कहते हैं. बेसिकली एक्सॉन वो होता है जो हमारे पास सिग्नल सेल बॉडी से लेके टिश्यू तक लेके जाए, मतलब कि एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कैरी द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड द नर्व विच कैरी द सिग्नल टुवर्ड द सेल बॉडी, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट. तो ये टॉक्सिन एक्सॉन के थ्रू हमारे पास जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड में. जब वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो वहां पे जाके गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल गाबा और ग्लाइसिन उन दोनों की रिलीज को इनहिबिट कराएगा. जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज नहीं होगी, मतलब अब आपके पास हमारे पास मसल कंट्रैक्शन हमारे पास इनहिबिट नहीं हो रही, सिर्फ एक्साइट हो रही है. जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे तो हमारे पास फिर बहुत ज्यादा मसल कंट्रैक्शन होगी और बहुत ज्यादा मसल कंट्रैक्शन को हम कहते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस, मतलब कि मसल स्पैजम्स हो रहे हैं, वहां से वर्ड आया स्पैस्टिक. और पैरालिसिस इसलिए कि पेशेंट के मसल्स प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन फॉर्म में है, वो रिलैक्स नहीं हो रहे, तो फिर पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस. और इस तरह डिजीज को हम कहते हैं फिर टाइटनेस. फिर स्पेस्टिक पैरालिसिस में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आते हैं कि मतलब जो फेशियल मसल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन हो सकती है और उसके नतीजे में एक ग्रिन प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं रिसेस सार्डोनिकस. और ऑपोजिट टोन ऑफ हो सकता है, ऑपोजिट टोन ऑफ होता है एक्सट्रीम आर्चिंग ऑफ मसल्स ऑफ बैक. ये सारी चीजें उसके बाद बेटा अगली स्लाइड्स में है तो आप लिखे ना, बस समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली डिजीज मैनिफेस्ट किस तरह से होती है. तो जो हमारे पास टेटनस टॉक्सिन है, इट इज एन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव सेल एट द वुंड साइट. वुंड साइट पे पहले स्पोर एंटर होगा, फिर स्पोर से बनेगा वेजिटेटिव सेल या फिर ऑर्गेनिज्म दिस पॉलीपेप्टाइड, और वो फिर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा टेटनस टॉक्सिन. एंड दिस पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन इज कैरिड इंट्राजोनली रेट्रोग्रेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इट विल बाइंड टू द गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर एंड ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन and GABA at the spinal synapses. Tetanus toxin and botulinum toxin are the most toxic substances known. They are proteases that cleave protein involved in the mediator release. बेटा botulinum toxin हम आगे जाके इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इनका ना mechanism of action काफी हद तक सेम होता है. जो डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं. अब हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी. टेटनस टॉक्सिन की वजह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग मसल स्पैजम्स होंगे जिसकी वजह से स्पेस्टिक पैरालिसिस होगा या टेटनी होगी. क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास आ जाएंगे लॉक जॉ सिंड्रोम, मतलब कि जॉ के जो मसल हैं उनकी बहुत ज्यादा मसल कंट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से पेशेंट अपना मुंह नहीं खोल सकता, इसलिए हम इसे लॉक जॉ कहते हैं. उसके अलावा ये एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रिमेस प्रोड्यूस होती है फेस पे, उसे हम कहते हैं रिसेस सार्डोनिकस. उसके अलावा पेशेंट को हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, मतलब जब आप एल्बो पे या नी जॉइंट पे या एंकल जॉइंट पे रिफ्लेक्सिस चेक कर रहे होते हैं तो उसके पेशेंट को हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा. और एपिस्टोटोनस होगा. एपिस्टोटोनस क्या है, एक्सट्रीम आर्चिंग ऑफ मसल्स ऑफ बैक ड्यू टू द स्पैज्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक, इट इज ऑल्सो सेम. और इवेंचुअली पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और उसकी वजह से डेथ हो सकती है अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे. अब बताएं सबको पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर समझ आए हैं. बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करूं. पैथोजेनेसिस वाला. पैथोजेनेसिस में आपको मैंने बताया था कि जब वुंड साइड पे स्पोर की ट्रोमैटिक इम्प्लांटेशन होगी तो उसे बनेगा वेजिटेटिव सेल या फिर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया फिर प्रोड्यूस करेगा टेटनस टॉक्सिन. टेटनस टॉक्सिन फिर एक्सॉन के थ्रू जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और मेनली स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो बाइंड करेगा गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर के साथ और फिर गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन और गाबा की रिलीज को इनहिबिट करेगा. जब इन दोनों की रिलीज हमारे पास नहीं होगी और सिर्फ एसिटाइलकोलाइन विच इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ उसकी प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी वजह से हमारे पास सीवियर होंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है जो कि मसल कंट्रैक्शन को इनहिबिट कर सके. तो उसके बाद जो हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर प्रोड्यूस होती है उसमें हमारे पास जी बेटा बेटा आपने कुछ पूछा है.
असल मुझे आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही सर, मैं जो हूँ ना एक दफा रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि अगर मुझे सही समझ आया कि नहीं। हाँ हाँ आप कर लिए रिपीट। सर ये वोन साइट पे जो है सबसे पहले स्पोर एंटर होंगे, फिर वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया बनाएंगे, फिर टॉक्सिन्स पैदा होंगे टेटनस के, उसके बाद वो जो है एग्जॉन्स के ऊपर मतलब इफेक्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, फिर कौन सी रिसेप्टर थे? गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर्स के बाद जो है वो इनहिबिट करेगा गाबा एंड ग्लाइसिन को, फिर उसके बाद एसिटाइल कोलीन, उसकी वजह से जो है वो मतलब सिर्फ एसिटाइल कोलीन, वो इसका भी थोड़ा बताएं क्या होगा। बेटा जब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाएंगे, रिलीज ही नहीं होंगे, और सिर्फ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है जो कि एसिटाइल कोलीन है, तो फिर सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और मसल रिलीज नहीं होगा और पैरालिसिस टाइप रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, वही और उस सिचुएशन को फिर साइंस आएंगे, रिसेस आर्डोनिकस होगा, ऑपिस्टोटोनस होगा, लॉग जॉ या जिसे हम क्रिसमस भी कहते हैं, और उसके अलावा हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आदिल को तो समझ आ गई है, बाकी सारे बच्चों को समझ आ रही है? यस सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका हमारे पास मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है और इस डिजीज में हमारे पास स्पेसिफिक पैरालिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रैक्शन होगी, जबकि हमारे पास बॉडी लाइन में ना वो इसका बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है, उसमें हमारे पास फ्लैसिड है, उसमें हमारे पास वीक होती है या एब्सेंट होती है मसल कंट्रैक्शन, मतलब मसल कंट्रैक्शन नहीं हो रही होती। लैब डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास कोई माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है। ऑर्गेनिजम्स आर रेयरली आइसोलेटेड फ्रॉम द वुन साइट, और जो टेटनस प्रोसीजन टेटनी है वो प्रोड्यूस करता है टर्मिनल स्कोर होता है एट द एंड ऑफ द रॉड, इसलिए टेनिस रैकेट पे है, लेकिन इसका डायग्नोसिस हमारे पास लैब में अक्सर नहीं हो पाता। इसका डायग्नोसिस मोस्टली हम करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होगा कि हम देखेंगे पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में हमारे पास पेशेंट की होगी कि उसका कोई रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, और अभी उसकी फिर देखेंगे कि उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास लॉग जॉ होगा, ऑपिस्टोटोनस होगा और क्लिनिकस होगा, मतलब इन चीज़ों के बेस पे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। समटाइम्स हम इनके स्कोर्स को आइसोलेट कर लेते हैं वोन से, और अगर आप इनके स्कोर को आइसोलेट कर ले वोन से तो वो फिर अंडर द माइक्रोस्कोप आपको टेनिस रैकेट की फॉर्म में नजर आएंगे। ये जो पीछे रॉड होता है और रॉड के आगे फिर वहाँ पे एक स्पोर होता है इनका, इसकी टेनिस रैकेट अपीयरेंस होती है, इसके थ्रू भी आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है? ट्रीटमेंट आप इस तरह से करते हैं कि जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे विद टेटनस, तो आप अपने पेशेंट को टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना है जो कि टेटनस एंटीटॉक्सिन होता है। उसके अलावा आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक इसलिए देनी है क्योंकि जो वुन साइट होती है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म अभी भी सर्वाइव कर सकता है, अभी भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, तो आपने वो एंटीबायोटिक देंगे ताकि वो ऑर्गेनिज्म वहां से इरेडिकेट हो जाए। साथ में आपने एंटीटॉक्सिन देने, और अगर पेशेंट फ्रेश वुंड है तो फिर आपने वुंड की क्लीनिंग और डिब्राइडमेंट करनी है। बेटा क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। माइक्रोफोन ऑन है, सबको नजर आ गई स्लाइड्स? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा आपको मैं बता रहा था इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले आप टेटनस एंटीटॉक्सिन देंगे, साथ में आप एंटीबायोटिक देंगे, और साथ में आप वोन को क्लीन करेंगे और डिब्राइड करेंगे। इसके आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है? बेटा ये जो टेटनस है ना, इसका नॉर्मली हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है अप टू 2 to 3 weeks, मतलब जब पेशेंट का एक्सीडेंट होता है और जब पेशेंट को साइन और सिम्टम्स आते हैं उसमें 2 से 3 हफ्तों का डिफरेंस होता है।
तो जब अगर आपके पास पेशेंट है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो आपके पास आया है, तो आपने उसे वैक्सीन देनी है, डीटा वैक्सीन। डीटा वैक्सीन में हम बेसिकली तीन बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर देते हैं, डिप्थीरिया के अगेंस्ट कर देते हैं जो कि डिप्थीरिया कॉज करता है, टेटनस है और एसेल्युलर पर्टोसिस है। एसेल्युलर पर्टोसिस हमारे पास कॉज करता है वोपिंग कफ और टेटनस हमारे पास कॉज करता है टेटनस। जब आप उसे डीटा वैक्सीन देंगे तो फिर उस पेशेंट की बॉडी में डीटा वैक्सीन के नतीजे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज फिर जाके बैक्टीरिया को भी इरेडिकेट करेंगी और साथ में उसके टॉक्सिन को भी इनएक्टिवेट करेंगी। तो अगर पेशेंट एक्सीडेंट के फौरन बाद आपके पास आ गया तो आप उसे डीटा वैक्सीन देनी है, या आप यूज करेंगे, आप करेंगे प्रिवेंशन के लिए। अगर आप पेशेंट आपके पास टेटनस के साथ आया, मतलब उसे सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं टेटनस के साथ आया, तो फिर आप उसे एंटीटॉक्सिन देना है। ये हमारे पास है पिस्टोटोनस। पिस्टोटोनस में हमारे पास बैक के मसल्स की एक्सट्रीम आर्चिंग होती है, इसलिए इस तरह की पेशेंट क्लिनिकल पिक्चर में प्रेजेंट कर सकता है, इसे हम पिस्टोटोनस कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात करें तो इसके जो स्पोर्स हैं वो भी हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इम्प्रॉपर कैन फोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा ये भी हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की तरह और क्लोस्ट्रीडियम टैटी की तरह जीआई ट्रैक में कोलन और वजाइना के नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जो इसके आपने जो लोकेशन याद रखनी है और जिसके थ्रू इसकी मोस्टली ट्रांसमिशन होती है वो है सॉइल और इम्प्रॉपर कैंड फूड। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जो फूड तो पता है आपको कि सॉइल में ही ग्रो करते हैं, और जब फूड की कंटेमिनेशन हो जाती है स्पोर्स के साथ और फिर आप उस फूड को पैक कर देते हैं कैंस में, क्योंकि वेस्ट में हमारे पास कैंड फूड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो कैंड फूड्स में भी इसकी प्रेजेंट हो सकते हैं और सॉइल में इसके स्पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी हमारे पास ट्रांसमिशन कैसे होगी? इनकी ट्रांसमिशन हमारे पास फूड के थ्रू हो सकती है, मतलब जब आप कैंड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके थ्रू टॉक्सिन ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा इन्फेंट्स को पाकिस्तान में या इंडिया में हनी देते हैं, शहद बहुत देते हैं, तो शहद में इसके स्पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा वूंड में इसकी ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन भी हो सकती है, तो इसकी ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन हो सकती है। इन्फेंट्स में इसकी ट्रांसमिशन मोस्टली हनी की कंजप्शन के थ्रू होती है, और उसके अलावा एडल्ट्स में कैंड फूड की कंजप्शन के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। यहाँ तक सबको समझ आइए? जी सर। अब जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो कॉज करेगा बॉट्यूलिज्म, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे बॉट्यूलिज्म क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसमिशन में ये डिस्कस करते हैं। बेसिकली बेटा ऐसा होता है कि जब हमारे पास वेजिटेबल या फिर मीट जिसकी स्पोर के साथ कंटेमिनेशन हो चुकी है, जब आप उस वेजिटेबल और मीट को पैक करते हैं कैन के अंदर, तो उसमें ये होता है कि जो हमारे पास स्पोर होता है वो भी फूड के साथ ये कैन के अंदर पैक हो जाता है, फिर उसी कैन के अंदर उस स्पोर से हमारे पास बैक्टीरिया बनता है उसी कैन के अंदर, और वो बैक्टीरिया हमारे पास फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और फिर उस टॉक्सिन की इंजेक्शन होती है जब आप कैन फूड को कंज्यूम करते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की ट्रांसमिशन का एक तरीका ये है कि कैंड फूड के साथ आप इसके टॉक्सिन को कंज्यूम कर सकते हैं। टॉक्सिन पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो तो हीट रेजिस्टेंट हैं, आप जितना मर्जी हीट कर लें जितना मर्जी कुक कर लें उसके स्पोर्स रेजिस्टेंट हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन जो इसका टॉक्सिन होता है वो हीट सेंसिटिव होता है या हीट लेवल होता है। तो अगर हमारे पास कैंड फूड में इसका टॉक्सिन प्रेजेंट ही है ना, तो अगर आप उस फूड को प्रॉपरली कुक कर रहे हो तो उससे उसका टॉक्सिन इनएक्टिवेट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेटा मैंने यही कहा है कि स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, स्पोर्स से बनेगा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन, टॉक्सिन ही इसे डिस्ट्रॉय होगा, और जब स्पोर से बैक्टीरिया बन गया तो स्पोर तो खत्म हो गए ना सर। वैसे जो है स्पोर्स को अगर एलिमिनेट करना हो मतलब तो क्या चीज हो सकती है? बेटा स्पोर्स को अगर आपने एलिमिनेट करना हो तो उसके लिए ऑटोक्लेव कर सकते हैं, लाइक जो मॉडर्न ऑटोक्लेव है, पहले तो ऑटोक्लेव से ये रेजिस्टेंट है। मॉडर्न ऑटोक्लेव में ये होता है कि आप ना लीगल इंस्ट्रूमेंट्स को आई थिंक 160 डिग्री पे हीट करते हैं फॉर 15 मिनट्स,
160 डिग्रीज पे आप 15 मिनट्स के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हीट करते हैं, आई थिंक 160 था या 120 था, आई एम नॉट श्योर, तो उससे इनके स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अब आप फूड को अगर आप इतने हाई टेम्परेचर पे करें तो फूड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आप हर चीज को ऑटोक्लेव नहीं ना कर सकते सर। तो फिर हम तो खाते ही रहते हैं तो हमेशा तो नहीं होता कुछ बेटा, जरूरी कि नहीं आप खाते ही रहते हैं। आप अगर लाइक बोटुलिनम के स्पोर, देखिए इसका टॉक्सिन है वो हीट सेंसिटिव है, तो अगर तो खाना प्रॉपरली कुक किया गया है तो फिर तो इसके स्पोर, इसका जो टॉक्सिन है वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ अगर इसके स्पोर की ट्रांसमिशन हो रही है तो फिर आप, फिर ये डिजीज मैनिफेस्ट करेगी, ये नहीं कि आपको मैनिफेस्ट नहीं करेगी। अगर इसके, अगर आप हनी कंज्यूम कर रहे हैं, हनी में इसके स्पोर बहुत कॉमन होते हैं, तो अगर आप हनी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके थ्रू इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, या फिर ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो जब उन तरीकों के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होगी तो ये डिजीज मैनिफेस्ट होगी, और इसके केसेस आपको देखने को मिलते हैं, इतनी रेयर डिजीजेस नहीं है ये। बोटुलिनम तो मैंने अपने हाउस डॉग में देखा था। ये जो आपको लगता है ना कि बहुत रेयर केसेस हैं, एक गिलन-बारे सिंड्रोम है, एक हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन है, तो ये तो मैंने दोनों केसेस में देखे हुए हैं, काफी इतने भी रेयर नहीं है जितना आप समझ रखते हैं। चलिए अब ट्रांसमिशन डिस्कस करते हैं। स्पोर्स वाइड स्प्रेड इन सोइल कंटेमिनेट वेजिटेबल एंड मीट, वो हमारे पास मीट और वेजिटेबल को कंटेमिनेट करेंगे। व्हेन दीज फूड्स आर कैंड और वैक्यूम पैक्ड विदाउट एडिक्वेट स्टरिलाइजेशन, तो स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड स्पोर विल सर्वाइव एंड जर्मिनेट इन द एनारोबिक एनवायरनमेंट। टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कैंड फूड एंड इनजस्ट प्री फॉर्म। जो हाई रिस्क फूड होते हैं वो हमारे पास अल्कलाइन वेजिटेबल हैं और हमारे पास स्मोक्ड फिशेस हैं, इनके कैन में हमारे पास ये टॉक्सिन ज्यादा पाए जाते हैं। सो इनके, इनके कैन में ये स्पोर्स ज्यादा पाए जाएंगे, स्पोर्स बैक्टीरिया बनेगा, बैक्टीरिया भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो टॉक्सिन है इट इज रिलेटिवली हीट लेवल, तो अगर आप बॉयल कर रहे हो प्रॉपरली फॉर सेवरल मिनट्स, या फिर अगर आप प्रॉपरली फूड को कुक कर रहे हो तो उससे इसका टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप डिजीज से बच जाएंगे। देयरफॉर दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कुकिंग। आज हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में प्रोड्यूस एन एक्सट्रीमली लीथल न्यूरोटॉक्सिन दैट कॉजेस रैपिडली प्रोग्रेसिव फेटल फूड पॉइजनिंग। अब जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, इसका जो टॉक्सिन है वो कैसे काम करता है? हमने पढ़ा था कि जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है उसका टॉक्सिन जब हमारे पास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, फिर वो एक्सॉन के थ्रू जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन और गाबा, उनकी रिलीज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलीन की हमारे पास प्रोडक्शन होती है, और एसिटाइलकोलीन हमारे पास स्पेसिफिक मसल पैरालिसिस कॉज करता है। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन कैसे काम करता है? बोटुलिनम टॉक्सिन हमारे पास जब जब हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ तो बैक्टीरिया एंटर होगा, यहाँ टॉक्सिन एंटर होगा। टॉक्सिन अगर जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो फिर वो ब्लड के थ्रू जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्लड के थ्रू जाएगा। जो हमारे पास टेटनस था उसमें एक्सॉन के थ्रू जा रहा था टॉक्सिन, बोटुलिनम में जो टॉक्सिन है वो जाता है ब्लड के थ्रू। तो जब वो ब्लड के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारे पास एसिटाइलकोलीन है, उसकी रिलीज को इनहिबिट करेगा। जब हमारे पास एसिटाइलकोलीन रिलीज ही नहीं होगा तो मसल कंट्रैक्शन ही नहीं होगी, मसल कंट्रैक्शन ही नहीं होगी तो उसकी वजह से फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस होगा। तो डिफरेंस इसमें दो थे बेसिकली। एक डिफरेंस ये था कि जो टेटनस टॉक्सिन है वो ट्रेवल कर रहा है एक्सॉन के थ्रू, बोटुलिनम टॉक्सिन ट्रेवल कर रहा है ब्लड के थ्रू। जो टेटनस टॉक्सिन है वो हमारे पास रिलीज कर, इनहिबिट कर रहा था ग्लाइसिन और गाबा की रिलीज को, और जो हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन है वो इनहिबिट कर रहा है एसिटाइलकोलीन की रिलीज को। ये सबको क्लियर है? यस सर। वैसे जाने से इसकी बात करें, बोटुलिनम टॉक्सिन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द गट। अब गट से यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि अब्सॉर्ब हो रहा है? जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं वो जब हनी को कंज्यूम करते हैं तो वहां पे जो हनी होता है उसमें स्पोर्स हो सकते हैं, तो अगर स्पोर्स की इंजेक्शन हो जाए तो स्पोर्स जाएंगे जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक में जाके वो बनाएंगे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास कैंड फूड है उसमें आप डायरेक्टली टॉक्सिन को इंजेस्ट कर रहे हो, तो जीआई ट्रैक से टॉक्सिन की अब्सॉर्प्शन होती है, एंड देन इट इज कैरीड वियर द ब्लड टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वेयर इट ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन।
It is a protease that cleaves the protein that are involved in the release of acetylcholine. The toxin is a polypeptide which is encoded by a lysogenic phage. Along with tetanus toxin, it is among the most toxigenic substances known. मतलब कि अगर पोस्टलाइन टॉक्सिन और टेटनस टॉक्सिन बहुत ज्यादा लीथल हो सकते हैं. लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लैब दिस ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली नॉट कल्चर्ड क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब है, इसे कल्चर करना काफी मुश्किल होता है. तो आप इसमें पोस्टलाइन टॉक्सिन को लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब जो आपको लग रहा है कि जिस कैंड फूड के थ्रू पेशेंट में टॉक्सिन की ट्रांसमिशन हुई है, अगर आप उस फूड को एग्जामिन करें तो उसमें आपको पोस्टलाइन टॉक्सिन मिल सकता है. या फिर आप पेशेंट के सीरम में भी बोस्टलेनियम टॉक्सिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय माउस प्रोटेक्शन टेस्ट. माउस प्रोटेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि आप एक माउस को पेशेंट के सीरम के साथ इंजेक्ट करते हैं जिस पेशेंट में आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि बोस्टलेनियम टॉक्सिन है. अगर माउस में हमारे पास रैशेज पैरालिसिस और फिर उसकी डेथ हो जाए तो ये आपके इनडायरेक्टली आपके डायग्नोसिस को कन्फर्म कर देता है कि पेशेंट के सीरम में बाकी ही बोस्टलेनियम टॉक्सिन है. ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट में हम एंटीटॉक्सिन देते हैं और साथ में पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं. रेस्पिरेटरी सपोर्ट मतलब वेंटिलेटर पर डाल लेते हैं. रेस्पिरेटरी सपोर्ट इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इज द पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स. जब हमारे पास रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और उसकी वजह से डेथ होती है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स विद द पोस्टलाइनम. और प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास कैंड और वैक्यूम फूड है आपने उनको प्रॉपरली क्लीन करना है, ठीक है, और फिर फूड कंज्यूम करने से पहले आपने प्रॉपरली कुक करना है, उसके थ्रू आपने प्रिवेंट कर सकते हैं. और उसके अलावा जो हमारे पास स्वोलन कैंस है उनको आपने यूज नहीं करना. स्वोलन कैंस को आपने यूज क्यों नहीं करना? क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम के प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो भी गैस प्रोड्यूस करते हैं और उस गैस की वजह से कैन की स्वेलिंग हो सकती है. तो अगर ये कैन की स्वेलिंग हो रही है तो मतलब उस कैन में हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है और बैक्टीरिया एक्टिव है, इसलिए आपने उन कैंस को फॉरन डिस्कार्ड कर देना, यूज नहीं करना. और हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स हमारे पास कब जर्मिनेट करेंगे इनटू द फुल ब्लोन ऑर्गेनिज्म? वो हमारे पास तब हमारे पास ग्रो करेंगे जब हमारे पास पीएच 4.6 से ज्यादा हो, मतलब कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो और ऑक्सीजन मिनिमम हो उस कैन के अंदर, तब हमारे पास स्पोर्स ऑर्गेनिज्म बनता है. उसके अलावा हमारे पास बोटॉक्स इंजेक्शन है. बोटॉक्स इंजेक्शन के हमारे पास कुछ कॉस्मेटिक यूजेस भी हैं. उसमें हमारे पास होता है कि वो वाले कुछ हमारे पास पेशेंट रहते हैं जिनके फोर हेड पर रिंकल्स होते हैं, तो आप उनके पेशेंट के फोर हेड के मसल्स में बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं. उससे ये होता है कि हमारे पास जो रिंकल बेसिकली मसल कंट्रैक्शन के थ्रू होते हैं, तो जब आप बोटॉक्स का इंजेक्शन देंगे तो एसिटाइलकोलाइन रिलीज नहीं होगी. एसिटाइलकोलाइन रिलीज नहीं होगी तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी. मसल कंट्रेक्शन नहीं होगी तो रिंकल्स खत्म हो जाते हैं. इस तरह से हम बोटॉक्स को कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. उसके अलावा ऐसे कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल एकलेसिया हमारे पास एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें एसोफेगस का जो लोअर एंड होता है वो रिलैक्स नहीं हो रहा होता, तो आप जब वहां पे बोटॉक्स का इंजेक्शन देंगे एकलेसिया में, तो एकलेसिया में ये होगा कि फिर वहां पर एसिटाइलकोलाइन रिलीज नहीं होगा, मसल कंट्रेक्शन नहीं होगी, तो फिर वो जो एसोफेगस का लोअर एंड था जो कि क्रॉनिकली कंट्रैक्टेड था, क्लोज था, फिर वो रिलैक्स होकर ओपन हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास बोटॉक्स के कुछ मेडिकल और कॉस्मेटिक यूजेस भी हैं. बेटा आप लास्ट तक के लिए वो शुरू करने से पहले अगर पीछे कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. तो जब आप उसमें बोटॉक्स का इंजेक्शन देंगे तो उसमें आपको पता है कि बोटॉक्स आके एसिटाइलकोलाइन की रिलीज को इनहिबिट करेगा. जब एसिटाइलकोलाइन रिलीज नहीं होगा तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी. मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी तो फिर लोअर एंड रिलैक्स हो जाएगा. तो आप इसे एकलेसिया के लिए भी यूज कर सकते हैं. बेटा इसके लिए इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या कन्फ्यूजन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें? नो सर. चलिए अब हम आखिरी बैक्टीरिया शुरू करते हैं आज का. क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हमारे पास मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करता है जीआई ट्रैक में. ये किन लोगों में इन्फेक्शन कॉज करेगा? ये उन लोगों में इन्फेक्शन कॉज करेगा जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज होम है. ओल्ड एज होम हमारे पास पाकिस्तान में जितने नहीं होते, यूएस या कनाडा में होते हैं. तो उन पेशेंट्स ने वो जो ओल्ड एज होम के रेजिडेंट्स होते हैं उन्हें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. उसके अलावा वो पेशेंट जो हमारे पास लॉन्ग टर्म
एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं उन पेशेंट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा इस बैक्टीरिया की फिजिकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकती है और इसके थ्रू भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसकी पैथोजेनेसिटी की बात करें तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन के दो पार्ट होते हैं, एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी। और इसके अलावा ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो स्पोर आपको पता है कि हमारे पास हीट केमिकल रेडिएशन रेजिस्टेंट होते हैं और स्पोर्स के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। डिजीज की बात करें तो ये कॉज करता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, और उसके बाद अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट में ये इवेंचुअली जो हमारे पास सीकम है उसकी परफोरेशन कॉज कर सकता है विच कैन बी फेटल। सी डिफ हमारे पास लेकिन जो मोस्टली इसे केसेस प्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। बेसिकली बेटा जो हमारे पास सी डिफ बैक्टीरिया है या क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया है, ये कॉलन के नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है, तो वो पेशेंट जो कि हमारे पास लॉन्ग काफी देर से एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि नॉर्मल बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो फिर जिसकी वजह से हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की ओवरग्रोथ होती है। जब सीड्स की हमारे पास ओवरग्रोथ होती है तब वो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो कॉज करता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारे पास सीड्स की इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं, उसमें आती है हमारे पास पेंसिलिन, सेफलोस्पोरिन, क्लिंडामाइसिन और फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ट्रांसमिशन की बात करें द ऑर्गेनिज्म इज कैरीड इन द जीआई ट्रैक इन अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन एंड अप टू 30% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। हॉस्पिटलाइज्ड और ओल्ड एज होम में ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स में ये बैक्टीरिया जीआई ट्रैक कॉलोनाइज करते हैं और जनरल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 3% मतलब कि जो हमारे पास पूरी दुनिया में जो 8 बिलियन आबादी है उसमें तकरीबन 3% लोगों में ये जीआई ट्रैक को कॉलोनाइज करता है। लेकिन जिन लोगों में ये जीआई ट्रैक को कॉलोनाइज करता है उनमें ये डिजीज कॉज नहीं करता बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन वो लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं दे डू गेट स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। उसकी वजह ये है कि जब वो एंटीबायोटिक लेंगे तो नॉर्मल फ्लोरा के जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास इस बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होगी और फिर ये हमारे पास टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और डिजीज कॉज करेगा। और इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है इस बैक्टीरिया की? इस बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट के थ्रू हो सकती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एंटीबायोटिक है दे विल सप्रेस द ड्रग सेंसिटिव मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, जिसकी वजह से हमारे पास सी डिफ ओवरग्रो करेगा और प्रोड्यूस करेगा एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी। दोनों हमारे पास एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेजेस हैं, मतलब कि ये हमारे पास जी प्रोटीन में ग्लूकोज को ऐड करते हैं इसलिए हम इसे ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज कहते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन बी है वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास एक्टिन की डीपोलीमराइजेशन करेगा। बेसिकली एक्टिन से ही सेल का साइटोस्केलेटन बना होता है, तो जब एक्टिन को डीपोलीमराइज कर रहा है उसकी वजह से हमारे पास सेल का जो साइटोस्केलेटन है उसकी इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी, मतलब साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से सेल की एपोप्टोसिस होगी और डेथ होगी। क्लिंडामाइसिन वाज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉज ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। लेकिन उसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक्स जो अब हमें पता है कि स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करवा सकती हैं उसमें सेफलोस्पोरिन हैं, पेंसिलिन हैं, एम्पिसिलिन हैं और साथ में फ्लोरोक्विनोलोन हैं। इन एडिशन टू द एंटीबायोटिक्स उसके अलावा जो कैंसर कीमोथेरेपी है वो भी स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे पास क्या होंगी? इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी पेशेंट को फीवर होगी, एब्डोमिनल पेन होगी और साथ में हमारे पास वाटरी डायरिया होगा। जब आप इस पेशेंट की कोलोनोस्कोपी करेंगे तो आपको इंटेस्टाइन में येलोविश फ्लैक्स नजर आएंगे, इसलिए हम इसे स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहते हैं। अगर आप पेशेंट की इन्फेक्शन को इस स्टेज पर ट्रीट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा और ब्लडी डायरिया के बाद पेशेंट में सीकल परफोरेशन हो सकती है, सीकल परफोरेशन की वजह से पेरिटोनाइटिस और उसकी वजह से फिर डेथ हो सकती है। सी डिफ कॉजेस डायरिया विच इज एसोसिएटेड विद स्यूडो मेम्ब्रेन्स, येलोविश व्हाइट फ्लैक्स होंगे ऑन द कोलोनिक म्यूकोसा। द डायरिया इज यूजुअली नॉट ब्लडी एंड न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन द स्टूल इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस। उसके अलावा फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से टॉक्सिक कोलन हो सकता है और फिर आपको सर्जिकल इंफेक्शन करनी पड़ सकती है कोलन की। अगर आप सर्जिकल इंफेक्शन नहीं करेंगे तो टॉक्सिक कोलन के बाद परफोरेशन होगी और परफोरेशन के बाद पेशेंट को पेरिटोनाइटिस और डेथ हो सकती है।
Pseudomonas colitis can be distinguished from the transient diarrhea that occur as a side effect of many oral antibiotics by testing the presence of toxin in the stool. अब हमारे पास जितनी भी antibiotics हैं, उनके use के बाद short term diarrhea हो सकता है. और Pseudomonas colitis वो भी इस तरह से present करता है कि patient पहले antibiotic लेता है और antibiotic के बाद patient को develop होता है Pseudomonas colitis. उसमें fever होगा, abdominal pain होगा और watery diarrhea होगा. तो आपने इन दोनों को differentiate कैसे करना है? Pseudomonas colitis में जब आप पेशेंट के स्टूल को एग्जामिन करेंगे तो आपको पेशेंट के स्टूल में टॉक्सिन मिलेगा, एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी, और उसी के थ्रू आप उसे डायग्नोज करते हैं और वहीं से आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रांजिएंट डायरिया दैट अकर एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मैनी ओरल एंटीबायोटिक्स. लैब डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? लैब डायग्नोसिस अभी मैंने आपको बताया कि आप स्टूल में, पेशेंट के स्टूल में टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करेंगे. और टॉक्सिन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टॉक्सिन को आप ELISA और साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपने एक चीज याद रखनी है कि आप सी डिफ के डायग्नोसिस के लिए या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के डायग्नोसिस के लिए बैक्टीरिया को कल्चर नहीं करते. उसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया जो ये जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होता है और तकरीबन 3% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है जीआई ट्रैक में, तो उसे आपके फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. इसलिए हम डायग्नोसिस के लिए हमेशा टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं करते. और टॉक्सिन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? टॉक्सिन को हम ELISA और साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ट्रीटमेंट आप किस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन है या सेफलोस्पोरिन है या क्लिंडामाइसिन है या फ्लोरोक्विनोलोन है, जो भी हमारे पास कॉजेटिव एंटीबायोटिक है उसे आप विड्रॉ करेंगे, वो पेशेंट लेना बंद कर देगा और इसकी जगह पेशेंट ओरल मेट्रोनिडाजोल या फिर वैंकोमाइसिन लेगा. मेट्रोनिडाजोल भी ओरल लेनी है और वैंकोमाइसिन भी ओरल लेनी है. इनमें से एक एंटीबायोटिक देनी है और उससे पेशेंट हमारे पास भी ठीक होगा. और साथ में आपने अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो आप यूज वगैरह भी देंगे. और हमारे पास प्रिवेंशन के लिए कोई हमारे पास प्रिवेंटिव वैक्सीन या ड्रग अवेलेबल नहीं है. ये हमारे पास जब आप कोलोनोस्कोपी करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको येलोविश ब्लैक नजर आता है, तो कोलोनोस्कोपी पे आपको इस तरह की पिक्चर नजर आ रही होती है, मतलब इस पेशेंट को हमारे पास Pseudomonas colitis है. बेटा यहाँ पर हमारे लेक्चर खत्म हो गए. अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. बेटा सो रहे हैं सब? नो सर. इंतजार सबको समझ आ गई. किसी का क्वेश्चन हो तो वो फिर बोल दे. यस सर. सबको समझ आ गई फिर? यस सर. चलें ठीक है, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, फिर क्लास अटेंड करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं. ओके सर. Okay, sir. Love is there. Love is. Love is.